नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत गांधी है। मैं मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। आजकल सर्दियों में हम देखते हैं कि हृदय रोग से संबंधित बीमारियों के मामले ज़्यादा पहचान में आ रहे हैं। सर्दियों में हृदय रोग के बढ़ने की जो कारण है, सबसे मुख्य कारण उसमें नसों का सिकुड़ जाना या जो हार्ट की आर्टरीज होती है उनका सिकुड़ जाना होता है। उसकी वजह से एक तो ब्लड प्रेशर आपका सर्दियों में बढ़ जाता है, दूसरा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता अगेंस्ट मोर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से जिनकी दिल की नसों में पहले से ही रुकावट होती है उनको सीने में दर्द जैसी शिकायत का अनुभव होता है। तो सर्दियों में एक तो नसों का सिकुड़ जाना प्रमुख कारण है, दूसरा सर्दियों में हम देखते हैं कि प्रदूषण का स्तर भी काफ़ी बढ़ जाता है जो सीधे हार्ट को असर डालता है। अब हम जानेंगे कि हृदय रोग के प्रमुख लक्षण क्या हैं। जो हार्ट अटैक का सबसे मुख्य लक्षण है वो है सीने के बीच में दर्द होना। वो दर्द आपका आधे या पौने घंटे तक रह सकता है। वो दर्द आपका पीठ में, बाह में, जबड़े तक भी जा सकता है और उसके साथ मरीज को पसीना आना, उल्टी होना, बेचैनी होना और बेहोश होने तक के भी तकलीफ हो सकती है। तो अगर किसी भी मरीज को ऐसे लक्षण होते हैं तो उनको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। और कई लोग इसको एसिडिटी से कंफ्यूज करते हैं, तो उसको डिफरेंशिएट या उसको हार्ट अटैक से अंतर पता करने के लिए सबसे पहले एक ईसीजी होना आवश्यक होता है। और अगर ईसीजी में कुछ गड़बड़ आती है जो हमें दर्शाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है, तो उसे तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। तो हृदय रोग से कैसे बचाव किया जा सकता है? हमारे जो मरीज जो हृदय रोग से पीड़ित होते हैं उनमें से अक्सर को बीपी या शुगर दोनों बीमारियां होती हैं। तो अगर हमको ब्लड प्रेशर है, अगर हमें डायबिटीज़ है, तो हमें उसे कंट्रोल करके रखना चाहिए। अगर हमारा बैठे रहने वाला जॉब है तो हमें अपना एक्सरसाइज डेली का आधा पौना घंटा हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन करना ज़रूरी है। खाने में चिकनाई का परहेज़, नमक का परहेज़ और मीठे का परहेज़ तो होना ही चाहिए। और सर्दियों में विशेषकर ये सलाह दी जाती है कि अगर आप सुबह के शहर के शौकीन हैं तो आप सुबह कोहरे के दौरान या अत्यधिक ठंड में बाहर ना जाएं। जब थोड़ा मौसम में सुधार हो तभी आप सैर करने जाएं। और सर्दियों में कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से बचाव हो, क्योंकि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं कोई भी इन्फेक्शन उनके हार्ट पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालता है और वो हार्ट अटैक का कारण या हार्ट फेलियर का कारण बन सकता है। तो अगर आप में से किसी को भी ऐसे लक्षण महसूस हों तो आप तुरंत डॉक्टरी सलाह लें और नज़दीकी अस्पताल जाएँ और तुरंत एक ECG कराएं। अगर आपको हृदय रोग से संबंधित और भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.